हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए, लिमिट 0 to π/4 dx बटा 1 - sin x, ठीक है। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि रेशनलाइज इसका करते हैं, यानी कि परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 dx बटा 1 - sin x। अब देखिए, यहाँ 1 - sin x है ना, तो केवल यहाँ साइन चेंज करके उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यानी कि 1 + sin x बटा 1 + sin x। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 to π/4, और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 + sin x बटा, ये हो जाएगा a - b × a + b, ठीक है, a - b × a + b, ठीक है। यहाँ देखिए, एक जगह पे 1 - b की जगह पे साइन एक्स, यानी कि देखिए ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है a² - b² यानी कि 1² - b² यानी कि sin² x, ठीक है। तो अब देखिए, 1 - sin² x बराबर फॉर्मूला होता है, पहले इसको नोट कर ले, लिमिट 0 to π/4 1 + यहाँ dx छूट रहा है, 1 + sin x बटा 1 - sin² x, 1² वही ना होगा 1, और ये हो गया dx, ठीक है। अब देखिए, लिमिट 0 to π/4 ये हो जाएगा 1 + sin x बटा 1 - sin² x बराबर क्या हो जाएगा, cos² x, और ये हो जाएगा dx। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हो जाएगा हम लोगों का, अब देखिए यहाँ cos² x से दोनों में डिवाइड करते हैं, +1 में और उसके बाद sin x में। तो देखिए, हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 ये हो जाएगा 1 / cos² x + sin x बटा cos² x, और ये हो गया dx। तो देखिए, हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 1 / cos² x बराबर क्या हो जाता है, sec² x + यहाँ देखिए sin x बटा, यहाँ sin x बटा cos² x है, तो इसको लिख सकते हैं ना cos x × cos x। तो पहले इसको पेयर लेते हैं, sin x / cos x, ये हो जाएगा tan x, फिर यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 / cos x यानी कि sec x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x × sec x। तो चलिए यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं, तो +sec x × tan x लिख दे, ठीक है, और ये हो गया dx। अब देखिए, यहाँ हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिमिट 0 to π/4 sec² x · dx + लिमिट 0 to π/4 यहाँ प्लस क्यों दे रहा है, लिमिट 0 to π/4 sec x × tan x · dx। अब देखिए, हो जाएगा sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए tan x होता है। तो देखिए, हो जाएगा tan x लिमिट 0 to π/4 + यहाँ sec x × tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x होता है, तो sec x लिमिट 0 to π/4। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा tan π/4 -tan 0 + यहाँ sec π/4 -sec 0। tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, -tan 0 का मान 0 + sec 45 का मान क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए sec 45 का मान होता है √2 -sec 0 का मान क्या होता है, तो sec 0 का मान होता है 1। अब देखिए, -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा हम लोग पास +√2, यानी कि √2 जो है इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है लिमिट 0 to π/4 0 to π/4 dx बटा 1 + sin x। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं। तो देखिए, यहां हो जाएगा हम लोग का लिमिट 0 to π/4
डी एक्स बटा, यहाँ देखिए यहाँ हम लोग फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, वन प्लस साइन एक्स डी एक्स बटा वन प्लस साइन एक्स, तो उसमें यहाँ साइन चेंज करेंगे ना, तो वन माइनस साइन एक्स बटा वन माइनस साइन एक्स, तो देखिए हो जाएगा लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, यहाँ हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स बटा, ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए हो जाएगा लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स बटा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए हो जाएगा लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, वन माइनस साइन एक्स बटा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए हो जाएगा वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो देखिए हो जाएगा लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। तो देखिए हो जाएगा लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, ये हो जाएगा वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है हम लोग का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर, चलिए रखते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन जीरो माइनस यहाँ हो जाएगा सेक पाई बाई फोर माइनस सेक जीरो। अब देखिए टेन पैंतालीस का मान वन माइनस टेन जीरो का मान जीरो माइनस सेक पैंतालीस का मान क्या हो जाएगा, तो सेक पैंतालीस का मान हो जाएगा रूट टू माइनस सेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, तो सेक जीरो का मान हो जाएगा हम लोगों का वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहां से करते क्या है, तो यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो यानी कि वन माइनस, ये हो जाएगा रूट टू और ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि प्लस वन, ठीक है, यानी कि ये हो गया हम लोग का वन प्लस वन यानी कि टू और माइनस रूट टू, ठीक है, यानी कि टू माइनस रूट टू आ गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।